क्योंकि गौरव हम प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, निखिल सर की प्लेइंग 11 अभी बची। बिल्कुल बिल्कुल, निखिल आपकी प्लेइंग 11 क्या है जरा ये देख लेते हैं, प्लेइंग 11 आपकी देख लेते हैं फिर आपके पास आता हूं। आपने जो हमें प्लेइंग 11 दी है जरा दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए, फिर आता हूं आपके पास और उस पर बात करते हैं कि क्या उसके पीछे आपके लॉजिक्स हैं। पहले देखिए निखिल की प्लेइंग 11 क्या है। तो ये रही निखिल चोपड़ा की प्लेइंग 11, केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, ऊपर की लाइन में कोई चेंज नहीं पूर्णिमा। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, आर अश्विन, और इसमें पहले नंबर पर हार्दिक पांड्या मुझे एक चेंज है, आर अश्विन आ गए हैं वरुण चक्रवर्ती की जगह, और ये बड़ा चेंज यहाँ पर है निखिल की प्लेइंग 11 में। आप कुछ कह रहे हैं अमित? टीम है ये, आपकी टीम है ये, निखिल की प्लेइंग 11 निखिल, निखिल सर की, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये निखिल, निखिल की, निखिल ने शार्दुल ठाकुर किया होता। अच्छा निखिल ने शार्दुल ठाकुर दिया, ठीक है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये अमित भंडारी करे मेरी टीम है, निखिल ने कैसे ले ली मुझे, मैंने चुनी ये टीम और ये टीम। निखिल सर के पास ही चलते हैं, निखिल सर आपकी टीम 11 ये क्यों है? जी देखिए मैं सिर्फ शार्दुल को इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि वो आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और वो थोड़ा सा इनफॉर्म चल रहे हैं बतौर गेंदबाज, और साथ में वरुण चक्रवर्ती को भी इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आईपीएल में भी वो बहुत बढ़िया तरीके से इन्हीं विकेट्स के ऊपर वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। रविचंद्रन अश्विन को मैंने बाहर इसलिए रखा है क्योंकि इसलिए एक डेविन कॉनवे है, आपके पास ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है नहीं, और वरुण चक्रवर्ती को इसीलिए अभ्यास मैचेस में भी भारत ने नहीं खिलाया था ताकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बाकी की टीम में उनको देख लें वो क्या करते हैं। मैं समझता हूँ कि आईपीएल में जब बहुत से ऐसे खिलाड़ी न्यूजीलैंड के जो आईपीएल भी खेल रहे थे, बट इसीलिए उनको रेस्ट कराया गया था वरुण चक्रवर्ती को कि उनको सारे मैचेस भारत खिलाने को देखेगा। आज उम्मीद करता हूँ कि वो बढ़िया प्रदर्शन करे, इसी की सोच के साथ मैंने यही टीम लेके चुनी है। ठीक है, ये निखिल चोपड़ा की टीम इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन मनोज सर भी हमारे साथ हैं। मनोज प्रभाकर की टीम, उनके में कौन कौन से प्लेइंग 11 है बिग बॉल पे, उनके नाम उनकी तस्वीर भी हम दिखा देते हैं। और ये देखिए सामने ईशान किशन, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, और बॉलिंग पर आ जाते हैं गौरव, तो इसमें शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह और राहुल चाहर, राइट सर? ये गिन रहा था पूर्णिमा, में गिन रहा था, बिल्कुल शुरुआत से चेंज शुरू हो रहा है और आखिरी तक चेंज आ रहा है, चार चेंज है इनकी टीम में, ईशान किशन, राहुल चाहर, आर अश्विन और शार्दुल ठाकुर। ये मेजर चेंज क्यों? मैंने शमी को नहीं हटाया, मैं उसको जानता हूँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज जानता हूँ, जब क्रिटिसिज्म आता है ना ऐसे प्लेयर के ऊपर वो बिल्कुल अलग तरीके से परफॉर्म करता है, और यही चीज इसलिए मैंने शमी को जरूर लिया, नहीं तो शमी के ऊपर जो प्रेशर है बहुत ही गलत तरीके का प्रेशर था, और जब फाइटर के ऊपर प्रेशर आता है ना तो वो और अच्छा। तो आपने किसको किसको डाल दिया? आपने बुमराह को रखा? मैंने भुवी को नहीं चांस दिया, मैंने वरुण को चांस नहीं दिया, मैंने पांड्या को चांस नहीं दिया, और एक और जडेजा, जडेजा को। ठीक है, लेकिन हार्दिक पांड्या को आप इसलिए बाहर कर रहे हैं क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं, आप एज ए प्योर बैट्समैन खिलाएंगे उसको, मतलब ओवरऑल आप चाहते हैं कि नहीं पता वो क्या है, वो क्या बना रख दिया आपने, तुरप का इक्का है क्या भारतीय टीम का वो? एक ही चीज भेज है, अगर ये लास्ट मैच इंडिया जीती आप चार चेंजेस करते हैं? वो इस तरीके से है, अगर ये लास्ट मैच है, अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर आप देखिए किस तरीके से हाल होता है यहाँ। बुरी तरह हार गए हो, कितनी बुरी तरह हारेंगे आप भंडारी सर, आपका और क्या रह गया आपके पास? जो मनोज सर बताए कि देखिए मैं एक क्रिकेट वाली लॉजिक वाली बात करता हूँ, देखिए एक टीम जीते हारती है, एक बार क्या था क्लोज हारते, एक बार आप वन साइडेड हारते हो, इसमें आप क्या चेंज चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मनोज सर ना करते? मैं तो कहूंगा कि आप सेम टीम, चलिए आपकी टीम लेकर आते हैं, आपकी टीम लेकर आते हैं फिर आपके पास आते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।